नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे योग के लिए आवश्यक साधन सामग्री। आप सोच रहे होंगे कि योग के लिए आवश्यक साधन सामग्री क्या होनी है, बस एक आध दरी होनी चाहिए, योगा मैट और जो हमने कपड़े पहने वो थोड़े से लूज होने चाहिए, इसके अलावा और किस साधन सामग्री की आवश्यकता है। लेकिन आप इसलिए ऐसा सोचते हैं कि आप योग को बस आसनों तक ही सीमित मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग का ये विस्तृत रूप है। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी गूढ़ जानकारी देने वाला हूं जो आपको YouTube पर दूसरे वीडियो में नहीं मिलने वाली। ऐसी इफेक्टिव और रहस्यमय जानकारी आपको आज मिलने वाली है, क्योंकि योग आसन और ध्यान, खास करके ध्यान को ध्यान में रखते हुए महाभारत शांति पर्व अ में योग के कुछ सहायक योग बताए गए हैं, यानी कि योग जर्नी में, ध्यान की जर्नी में कुछ सहायक चीजें, या आप मान सकते हैं कि कुछ साधन सामग्री कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसी के ऊपर आज हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत शांति पर्व अ में जो सहायक योग बताए गए हैं उसमें सबसे पहले है देश योग। देश योग का तात्पर्य यह है कि आप अपने योग की यात्रा, योग की साधना जहां पर भी शुरू कर रहे हैं उस स्थान का चयन आपको किस प्रकार से करना है। जहां पर भी आप योगासन करेंगे वह भूमि समतल होनी चाहिए, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ कंकड़ पत्थरों वाली नहीं होनी चाहिए, वह स्थान साफ हवा वाला होना चाहिए, दुर्गंध वहां आसपास भी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा वहां पर शोर शराबा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कर्म योग। कर्म योग से तात्पर्य यह है कि जो भी योग साधक योग मार्ग पे चल रहा हो उसके कर्म उत्तम प्रकार के होने चाहिए, कुकर्म नहीं करने चाहिए या पशुवत कर्म नहीं होने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। योग साधक की जो दिनचर्या है, सुबह उठने से लेके रात्रि के सोने तक, वह उत्तम प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो कर्म ना करता हो। अगर आप आग की पलक भी झपकते हैं तो भी आप कर्म कर रहे हो, लेकिन जो आप कर्म करते हैं वह सकाम होने चाहिए, और उसका जो भी फल है, अपने कर्म का फल ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए और अच्छे कर्म ही आपको करने चाहिए। तीसरा है अनुराग योग। अनुराग योग को आप भक्ति योग भी कह सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना अनुराग योग कहलाता है। अगर आप योग मार्ग पर चलते हैं, ध्यान करते हैं और आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आप अपने मार्ग में सफल होने के चांस ना के बराबर होते हैं। इसलिए योग साधकों के लिए ईश्वर भक्ति आवश्यक हो जाती है। उसके बाद आता है अर्थ योग। अर्थ योग से अभिप्राय अपरिग्रह से है। जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, योग साधना के लिए आवश्यक है, उतनी ही सामग्री का संचय हमें करना चाहिए। जो भोग विलास वाली साधन सामग्री है उसमें दिलचस्पी नहीं रखनी है, उसके प्रति आसक्ति होनी है, और अनावश्यक चीजों के लोभ लालच में ना पड़ के जो अपनी योग की यात्रा में जो आवश्यक है, अपने दैनंदिन जीवन के लिए जो जो चीजें आवश्यक है उन्हीं को अपने पास रखना चाहिए, और बाकी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। इसी को अर्थ योग कहा जाएगा। उसके बाद आता है उपाय योग। उपाय योग से अभिप्राय यह है
कि ध्यान में बैठने के लिए किसी ना किसी आसन का हमें चयन करना होता है, और उस आसन का जब तक हमें कंटिन्यू अभ्यास नहीं होता तब तक हम ध्यान साधना में आगे नहीं बढ़ पाते। मान लीजिए कोई पद्मासन में ध्यान के लिए बैठता है और पद्मासन में बैठते 5 मिनट में पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगे, तो वह व्यक्ति ध्यान में कैसे ध्यान कैसे लगा पाएगा। इसलिए आपको ध्यान में जो उपयोगी आसन है उनका निरंतर इतना अभ्यास करना चाहिए कि आप सुखपूर्वक बिना किसी तकलीफ के उस आसन में कुछ लंबे देर तक घंटों तक उसमें बैठ पाए, उस आसनों का अभ्यास करना। और दूसरा, इन सारी चीजों के लिए जो भी आवश्यक साधन सामग्री है उसका अभिप्राय उपायोग से, उन साधन सामग्री में आपके योगा में आठ कुछ कुर्सियां वगैरह ऐसी चीजें आ जाएगी। तो ये है उपाय योग। उसके बाद आता है अपाय योग। अपाय योग से अभिप्राय इस चीज से है कि हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमें भटकाने का काम करते हैं, ये साधक को भटकाने का काम करते हैं। तो ये सांसारिक विषयों में, इस विषयों से दूर रहना अपाय योग कहा जाएगा। उसके बाद आता है निश्चय योग। निश्चय योग से अभिप्राय यहां श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इसके अलावा गुरु के जो वचन है, गुरु जो मार्गदर्शन करते हैं, उनके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। और जो सदग्रंथ है, वेदों की जो वाणी है, गुरु और वेदों के वचनों पर विश्वास होना निश्चय योग कहा जाएगा। उसके बाद आता है चक्षु योग। चक्षु योग में कुछ आंखों की एक्सरसाइज जो आपके ध्यान साधना में उपयोगी हो, वो कुछ ऐसी मुद्राएं जो आपकी ध्यान साधना में उपयोगी हो, जैसे कि उदाहरण लेंगे तो शांभवी मुद्रा, और दूसरा साम्यक दृष्टि। साम्यक दृष्टि यानी कि समभाव, हर एक चीज को एक समभाव से देखना। किसी भी आप व्यक्ति को देखेंगे तो ना उसकी अच्छाई या भानी चाहिए, ना उसकी बुराई या भानी चाहिए, समभाव से हर एक को देखना चक्षु योग कहा जाएगा। ये थोड़ा डीप विषय है, इसके ऊपर अगर बोलना चाहे तो बहुत डीप है, लेकिन एक सिंपल थोड़ा सा आपको बता दिया कि साम्यक भाव चक्षु योग में आ जाएगा। उसके बाद आता है आहार योग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए। योग साधक कभी भी तामसिक आहार लेके या राजसिक आहार लेके अपनी यात्रा में सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको सात्विक आहार ही लेना चाहिए। तो आहार योग यानी कि सात्विक भोजन। सात्विक भोजन आपको बताइए, वह सात्विक भोजन का पालन करना भी बड़ा जरूरी होता है। उसके बाद आता है संहार योग। संहार योग का अभिप्राय यहां पर प्रत्याहार से है। हमारी पांच जो ज्ञान इंद्रिया है वह अपने अपने विषयों की तरफ भागती है, उनको प्रतिकूल करना ही संहार योग कहा जाएगा। जैसे आंखें रूप के पीछे, कान शब्द के पीछे, जीभ रस के पीछे, नाक गंध के पीछे, त्वचा स्पर्श के पीछे, ये विषय है, ये हमारे इंद्रियों के विषय है, इनको प्रतिकूल करना। अगर मैं अपनी आंखों से देखूं तो अच्छा ही देखूं, कानों से सुनूं तो अच्छा ही सुनूं, तो इस प्रकार से अपने पांचों इंद्रियों को प्रतिकूल कर लेना संहार योग कहा जाएगा। उसके बाद आता है मनोयोग। हमारा मन बड़ा चंचल है, मन हमेशा संकल्प विकल्प करने वाला है। अपने मन को संकल्प और विकल्प से रहित करके, एकाग्र करके, एक स्थान पर लगाना मनोयोग कहा जाएगा। जिस प्रकार से हम धारणा का अभ्यास करते हैं वहीं से हमारा मनोयोग शुरू हो जाता है। और लास्ट में आता है दर्शन योग। दर्शन योग से अभिप्राय यह है कि जितने भी विषय हैं
उनके परिणामों को देखना और उनसे पृथक रहना, क्योंकि ये जो विषय है वो कुछ क्षणों के लिए, जब तक हम उसको भोगते हैं तब तक ही बहुत अच्छे लगते हैं, उसी समय बड़ा आनंद आता है, लेकिन उनके जो परिणाम है वो काफी भयंकर होते हैं, काफी गहरा विषय है। किसी दिन अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि जो विषय है उनसे किस प्रकार से हम पृथक रह सकते हैं या हमें रहना चाहिए। तो आज बस शॉर्ट में समझेंगे कि जो विषय है उनसे पृथक रहना दर्शन योग के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी ध्यान योग में सहायक, कुछ साधन सामग्री आप कह सकते हैं या सहायक योग कह सकते हैं इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।